हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। मैंने फ्रेंड्स एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे कुछ टॉपिक जो है सजेस्ट कीजिए, किन के ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो आज मैं आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम थ्योरी पार्ट भी समझेंगे, साथ में साथ कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आपने ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है। अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना तो मुझे रिकमेंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को भी लाइक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है सेल्स का जहां पर आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए 5,000 यूनिट्स किसी प्रोडक्ट के सेल करने पर आपको टोटल रेवेन्यू हो रहा है 50,000 और टोटल कॉस्ट जो है वो भी आपकी क्या थी 50,000। तो 5,000 यूनिट सेल करने पर टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। इसका मतलब कि अगर 50,000 रुपया आपने सामान बनाने में लगाया तो उसको सेल कर आपको रेवेन्यू भी कितना आ रहा है, अभी तक सिर्फ 50,000 आया है। इसका मतलब ना ही आपको प्रॉफिट है और ना ही आपको लॉस है, सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो गई। कॉस्ट थी आपको 50,000 और सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आपकी रिकवर हो गई है। तो इस 5,000 यूनिट के पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट आपके टोटल रेवेन्यू के इक्वल होगी, या फिर आप कह सकते हैं TR इज इक्वल टू TC। ना ही कोई प्रॉफिट होगा और ना ही आपको क्या होगा, लॉस होगा। इसलिए हर कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जितनी जल्दी वो ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस कर दे उतना ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही अर्न करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कोई आपसे पूछे तो आपने यही बताना है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट और इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉसेस। नेक्स्ट इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में यहाँ पर ये जो सबसे फर्स्ट लाइन है ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। इसे ऑब्जर्व कीजिए, जीरो पॉइंट पर ये स्टार्ट हो रही है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप ज़ीरो नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो रहेगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये शो कर रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जा रहे हैं आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। तो फर्स्ट कर्व आपने क्या बनाना है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। उसके बाद टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो भी ज़ीरो पॉइंट से शो होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ज़ीरो यूनिट सेल किए हैं किसी प्रोडक्ट के तो आपको टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। जैसे जैसे आप अपने गुड्स अपना सामान बेचना स्टार्ट कर देते हो वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा।
और ये वेरिएबल कॉस्ट की तरह ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे पास एक कर्व है, दैट इज़ द टोटल रेवेन्यू कर्व, सॉरी टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व आप देखोगे कि ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट हुआ है। ये थोड़ा सा ऊपर क्यों स्टार्ट हुआ है? क्योंकि टोटल कॉस्ट के दो हिस्से होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा ही एक फिक्स्ड लेवल पर रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। चाहे आप नंबर ऑफ यूनिट ज़ीरो प्रोड्यूस करो, चाहे आप नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ये हमेशा ही कॉस्ट जो है ज़ीरो रहेगी। एग्जाम्पल के लिए मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी फैक्ट्री चाहे पूरा साल बंद रहे लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है वो हमेशा ही आता रहेगा। इसका मतलब कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा ही फिक्स्ड रहेगी, इसलिए ये कर्व जो है वो ज़ीरो पॉइंट से शुरू ना होकर थोड़ा ऊपर स्टार्ट होता है। इसी डायग्राम में एक आप लाइन, एक कर्व और देखोगे जो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये शो करती है फिक्स्ड कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे जितना मर्जी आप प्रोड्यूस कर लो। डन। अब हमारे पास है टोटल ब्रेक इवन पॉइंट, हमने ढूंढना है कि अब ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी वहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये रही टोटल रेवेन्यू कर्व और ये है टोटल कॉस्ट। दोनों ही इंटरसेक्ट जहाँ पर करेंगे, एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगे वहाँ आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सो दिस पॉइंट विल बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें पता लग गया कि इसका मीनिंग क्या है ब्रेक इवन का। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना ही आपको कोई प्रॉफिट है ना ही आपको कोई लॉसेस है। साथ ही साथ हमने डायग्राम भी डिस्कस कर लिया है। अब हम थोड़ी कैलकुलेशन पर आ जाते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपने एक सिंपल फॉर्मूला याद करना है, वो है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? ये तो डेरिवेशन है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, पर ये फॉर्मूला आपने सिंपल याद करना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर रखिएगा, नीचे डिवाइड कर देना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट रखेंगे, ठीक है? और यहाँ एक पॉइंट और आपको समझा दूँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से माइनस कर देते हैं, दोनों का आपस में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। इसको सी से भी डिनोट करते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इसको भी मैं आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यही बताया है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर रेवेन्यू जो है कॉस्ट के इक्वल है, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, ठीक है? टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, प्लस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और कई बार वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट में दी होती है और हमें चाहिए टोटल। मान लीजिए ₹5 लगते हैं एक यूनिट प्रोड्यूस करने में और प्रोड्यूसर ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 5000। और अगर कहूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10000 है, तो कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5000 प्लस 10000, 15000 आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोच लीजिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो है ₹15 और आपने सेल किए यानी कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 10000, तो आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 15 into 10000 15000, 15000 जो है वो आपका क्या हो जाएगा,
टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लीजिए, अभी मैं आपको थ्योरी एक्सपेक्ट ही बता रही हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट ही बता रही हूँ। हम आने वाली स्लाइड में डिटेल में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया क्यों जाता है, इसका मतलब हमें बेनिफिट क्या है ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट फैसिलिटेट इनटू द फैक्ट अबाउट द रेवेन्यू फ्रॉम अ प्रोडक्ट और द सर्विस इनकॉर्पोरेट्स द एबिलिटी टू कवर द रेलिवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट। इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करके हमें ये पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसको बेचकर हमें इतना रेवेन्यू आ जाएगा कि हमारा रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कवर कर ले। किसी भी बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट करना, अर्न करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसकी पहली सोच क्या होती है? पहली सोच उसकी ये है कि अगर मैं 10,000 रुपये अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम ये 10,000 रुपये तो वापस आ जाए। प्रॉफिट तो बाद की बात है, अगर मान लीजिए 10,000 लगाकर आपको सिर्फ 8,000 ही वापस आ रहा है, इसका मतलब आपका बिजनेस 2,000 रुपये से नुकसान में है, तो आप कभी भी उस बिजनेस के साथ कॉन्टिन्यू नहीं करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट बता देगा कि इतने यूनिट्स सेल करने के बाद आप कम से कम अपनी टोटल कॉस्ट को कवर कर लोगे। ठीक है, सेकंड हमारा पर्पस ये होता है, इट हेल्प्स इन मेकिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन बिजनेस। कैसे कैसे डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है, कम्पिटिटिव बिड्स प्रिपेयर करना, कई बार बिड प्राइस डिसाइड करना है तो उसके लिए भी ब्रेक इवन एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के प्राइसेस सेट करने में भी यूज़ करते हैं। कई बार हमने लोन अप्लाई करना होता है तो बैंक से कितनी अमाउंट का हम लोन ले, उसके लिए भी ब्रेक इवन एनालिसिस को यूज़ करते हैं बिजनेसमैन। ठीक है, तो मेन हमें ये एनालिसिस यही बताएगा कि कितने यूनिट सेल करने के बाद नो प्रॉफिट और नो लॉस है, इसका मतलब उतने यूनिट तो कम से कम हम सेल करें। डन। यहाँ पर मैंने ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, वो इस पॉइंट के साथ मैं आपको समझाती हूँ। इट हेल्प्स द मैनेजर इन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू आवर प्रोडक्ट और इम्प्रूव द एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी और रीसेट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये सारे ना कुछ डिसीजंस हैं जो कि एक मैनेजर लेता है ब्रेक इवन पॉइंट की हेल्प से। अब एग्जांपल क्या है इसमें, एग्जांपल के लिए एक मैनेजर था, उसने ये डिसाइड करना था कि प्रोडक्ट जो है क्या वो मार्केट में बेचे, प्रोड्यूस करे और मार्केट में वो बेचे। तो उसके लिए सबसे पहले उसने डिमांड फॉरकास्टिंग की, ये देखा कि मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। ठीक है, पहला पॉइंट उसने देखा, मार्केट में डिमांड चेक की। उसको ये पता लग गया कि मार्केट में जो प्रोडक्ट मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ उसकी डिमांड जो है 5,000 यूनिट्स हैं। आप साइकिल का एग्जांपल ले लीजिए, मैन्युफैक्चरर जो है वो उसने एस्टिमेट किया कि अगर मैं साइकिल बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करूंगा, तो मार्केट में 5,000 यूनिट जो हैं वो मेरे सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसने ये देखा कि अगर मैं 10,000 रुपया मेरी टोटल कॉस्ट आएगी
तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? उसने एस्टिमेशन लगाया सब कुछ, और उसको पता लग गया कि अगर मैं मिनिमम कम से कम 6,000 यूनिट सेल करूँगा तो ही मेरी टोटल कॉस्ट रिकवर होगी। अब उसने ये उसका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट उसने ढूंढ लिया जहाँ पर उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल है, दैट इज 6,000 यूनिट। अब वो 6,000 यूनिट बनाएगा, सेल करेगा, तो ही उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो सकती है। लेकिन मार्केट में साइकिल की डिमांड कितनी है? वो सिर्फ 5,000 यूनिट है। अगर वो 6,000 बना भी ले तो उसके 6,000 सेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही सिर्फ 5,000 की है। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर को साइकिल जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए, मार्केट में उसकी सफिशिएंट डिमांड ही नहीं है कि उसकी टोटल कॉस्ट रिकवर हो सके। या फिर एक और डिसीज़न वो ले सकता है, सेलिंग प्राइस वो इंक्रीज कर सकता है साइकिल का, उससे भी उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस है वो मैनेजर को नंबर ऑफ द डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। इसलिए हम कॉमर्स का स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट का हो, कोई कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले रहा है स्टूडेंट, या फिर इकोनॉमिक्स कर रहा है, हर एक स्टूडेंट को ब्रेक इवन पॉइंट जो है हम ज़रूर समझाते हैं, क्योंकि रियलिटी में भी ये आपको टॉपिक बहुत सारी कैलकुलेशंस करने में हेल्प करता है। अब मैं आपके साथ एक और छोटा सा टॉपिक, सब टॉपिक कह लीजिए, डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने आपको कहा कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है दैट इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, वो क्या चीज़ है? दैट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल रेवेन्यू एंड द वेरिएबल कॉस्ट। इट इज़ द मेजर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिट का वो मार्जिन है, वो हिस्सा है दैट फोकस ऑन प्रपोर्शन ऑफ सेल रेवेन्यू विच इज़ लेफ्ट आवर द डिडक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कहते कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे सेल रेवेन्यू का वो हिस्सा है जो कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके बच जाता है। अब आपको जितनी आपने 10,000 रुपये कमाया, उसमें से 2,000 रुपये आपने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, बाकी के जो 8,000 बच गई हैं वो 8,000 में से आप अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालोगे और अपना प्रॉफिट का मार्जिन भी रखोगे। तो ये जो 8,000 बच गया है ये आपका क्या है? दैट इज़ योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एक लास्ट लाइन भी पढ़ते हैं, दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ लेफ्ट टू कवर द फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? आपके रेवेन्यू का वो हिस्सा है जिसमें से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर करोगे। डन। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल है, एक बिजनेस मैनेजर डिटरमिन दैट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ अ 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन विच इज़ बिलो दैट ऑफ कंपनीज अदर प्रोडक्ट। द मैनेजर कैन यूज़ दिस फिगर टू डिटरमिन वेदर द वेरिएबल कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट नीड टू बी रिड्यूस्ड और इफ द प्राइस ऑफ द एंड प्रोडक्ट नीड्स टू बी इनक्रीज। कहते कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? आपके पास अगर दो तीन प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, आपने डिसाइड करना है किसको प्रोड्यूस करो। ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 25% और ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है 40%। आप किसे सिलेक्ट करोगे? ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा। तो इस तरह से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए।
साथ ही साथ ये हमें ये सिग्नल भी बता देता है कि क्या मैनेजर को वेरिएबल कॉस्ट कम करनी चाहिए या फिर सेलिंग प्राइस जो है उसे इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर मैनेजर का क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो ब्लाइंडली डिसीजन ले लेगा, ब्लाइंडली सेल प्राइस फिक्स कर लेगा, तो वो कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता, इवन वो अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकता। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी टेक्निक है जो कि मैनेजर को नंबर ऑफ द डिसीजन लेने में हेल्प करती है। यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, तो ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल रेवेन्यू में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड कर दीजिए उसी सेल प्राइस के साथ, तो आपके पास परसेंटेज में कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। डन। अगर अमाउंट में करना है तो सिंपल रखिएगा, सेल प्राइस में से माइनस कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट को। नेक्स्ट मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है आपके लिए, लेकिन ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक भेज देती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।